आज हम बनाएंगे पोहे से बहुत ही टेस्टी कुरकुरी नाश्ता, जो आप इसे स्नैक के रूप में या छोटा मोटा भूख हो तब ले सकते हैं, नहीं तो चाय के साथ इसे खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस नाश्ते को बनाना। तो इसे बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर हमने आधे कटोरी पोहा लेना है और इस पोहे को हमने दो तीन पानी धो लिए हैं। देखिए, अब एक्स्ट्रा पानी जो है इसे हम निकाल देंगे। तो देखिए, हमने पोहा में से पानी निकाल दिए हैं, थोड़ा सा पानी इसमें बचा के रखते हैं। अब इसी में पोहे को इस तरह से डीप करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि पोहा जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 मिनट हो चुका है, पोहा जो है अच्छे से फूल गया है, पानी अब्जॉर्ब कर गया है। अब चलिए एक स्ट्रेनर ले लेते हैं और इस पर रख के सारा इसका एक्स्ट्रा पानी है निकाल लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से स्टेनर पर रख के और हाथों से दबाएंगे तो जितना इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर सारा पानी निकल गया है। अब इसे 5 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब चलिए 5 मिनट बाद से यहाँ पे एक प्लेट लेते हैं और इसमें अपने पोहा को डालेंगे और अच्छे से मैश करेंगे। तो दोस्तों, ये रेसिपी बनाने के लिए आपको कम से कम 15 मिनट पहले पोहा को भिगोना पड़ेगा, तभी इस तरह से आपका मैश होगा पोहा। उसके बाद से 2 हमने उबले हुए आलू को ग्रेट कर लिए थे, इसे डालेंगे और साथ ही में हरी मिर्च और प्याज डालेंगे। अगर आपके पास शिमला मिर्च, गाजर हो तो उसे भी डाल लीजिएगा छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके। उसके बाद मसाले में 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे और डाल लेंगे यहाँ पे 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च और इसे और चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर 1 चम्मच डाल लेंगे चाट मसाला और इसे अच्छे से हाथों से मैश कर लेंगे, डो के जैसे इसे बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डो हमने बना के तैयार कर लिया है। अब हाथों पे तेल लगाएंगे और इस तरह से टिक्की का शेप दे देंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टिक्की का शेप दे रहे हैं। देखिए, बहुत ही आसान है इस रेसिपी को बनाना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने 2 शेप में बना रहे हैं इस तरह से। देखिए, स्प्रिंग रोल के जैसे भी बनाएंगे, देख सकते हैं। अब चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन में तेल गरम कर लिए हैं, देख सकते हैं। तो पहले हमने टिक्की वाले जो शेप है इसे फ्राई कर लेंगे। तेल के टेम्परेचर आपको हाई रखना है और 1 मिनट बाद से थोड़ा मीडियम लो कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सभी जितना एडजस्ट होगा उतना टिक्की डाल देंगे और एक तरफ 2 मिनट सिकेगा, उसके बाद से इसकी पलटी कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से चम्मच के सहारे से इसे पलटी कर देंगे। बहुत ही जल्दी ये पैन छोड़ देता है, चिपकता नहीं है। अब इस तरह से अलट पलट के इसे एक अच्छा गोल्डन कलर आने तक, इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस नाश्ते को फ्राई करते हुए करीब 6 से 7 मिनट लगा है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर कलर आ गया है और ये ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो गई है। तो अब इसे क्या करेंगे, एक छन्नी लेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे छन्नी के ऊपर, और इसका जितना एक्स्ट्रा ऑयल हो वो टपक जाएगा आपस से पैन में, और इसी तरह से हम बाकी का भी फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो रोल बनाए थे इसे भी इस तरह से डालेंगे और सेम उसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से स्टैंड पे हमने 5 मिनट तक ले छोड़ दिए थे, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है टपक जाए। अब इसे प्लेट में रख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से रोल टाइप बच्चों के लिए बनाएंगे तो वो बहुत मज़े से खाएंगे, फ्रेंच फ्राई के जैसे। अब चलिए इसे सर्व करके दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से हमने इसे सर्व किए हैं। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो इस तरह से टमाटर केचप के साथ दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, हम इसे तोड़ के दिखा रहे हैं कि कितना ये क्रिस्पी अंदर तक बना है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से स्नैक बनाइए और अपने बच्चों को दीजिए, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा।